चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए, श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आके आए बैठे न तखत, लाल आके आए बैठे न तखत। श्री महामति कहे ए मोमिनो, याद करो हजरत, जो लड़ाई तुम करी कायम करने कयामत, कायम करने कयामत, लाल दरवाजे की हवेली में। सभी सुंदर साथ को प्रणाम। धाम धनी श्री राज जी, श्री लालदास जी के धाम दिल में विराजमान होकर ये बीतक का प्रसंग वर्णन करवा रहे हैं, जिसमें कल हमने सुना कैसे श्री जी हरिद्वार में धर्माचार्यों को जवाब देते हैं, उनको अपनी सारी पद्धति बताते हैं। श्री जी ने तो बहुतेरा प्रयास किया, लेकिन धर्माचार्यों ने सुना भी, लेकिन सुनते हुए भी सबने अनसुना कर दिया, यानी तात्म ज्ञान किसी ने भी ग्रहण नहीं किया। श्री जी हरिद्वार से दिल्ली आते हैं, जैसे कल हम सुन चुके हैं, दिल्ली में आकर श्री जी औरंगजेब को जगाने का प्रयास करते हैं। लालदास जी को शेख इस्लाम के पास कई बार भेजा जाता है, लालदास जी उनके पास भी जाते हैं, लेकिन कई दिन उनके पास जाने पर भी शेख इस्लाम उचित जवाब नहीं देता है, क्योंकि शेख इस्लाम को क्या था, वो ये चाहता था कि ये कोई बहुत बड़े संत थे और इनसे यदि मुझे लोहे से सोना बनाने की विधि मिल जाए तो बहुत अच्छा है। इधर लालदास जी उनको कहते हैं कि शेख इस्लाम, आप जो भी चाहें वो हम आपकी इच्छा पूरी करेंगे, लेकिन आप हमें हमारा पैगाम औरंगजेब तक पहुंचा दो। और कहते हैं लालदास जी कि शेख इस्लाम, यदि आपने हमारा ये काम किया तो दुनिया के जो सारे लोग हैं एक झंडे के नीचे आ जाएंगे, जो झगड़ा हो रहा है हिंदू और मुसलमानों के नाम पर, क्योंकि धर्म ग्रंथ कहीं ना कहीं दोनों एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन भाषा भेद होने के कारण इसकी वास्तविकता को कोई समझ नहीं पाता है। जैसे जो बात कुरान के अंदर ला इल्ला इलिल्लाह का कही है, वही बात गीता के अंदर क्षर अक्षर और अक्षरातीत के रूप में कही है, यानी जो बात हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में वर्णित है वही बात कुरान में भी वर्णित है, लेकिन इसकी वास्तविकता को न समझने के कारण काजी मुल्ला शरीयत के अंदर बंधे होने के कारण ये सारी फसाद की जड़ काजी मुल्ला ही होते हैं। इधर शेख इस्लाम को समझाते हैं लालदास जी, यदि आपने हमारा ये काम किया तो हम आपको लोहे से सोना बनाने वाली विधि भी सिखा देंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे, और जो औरंगजेब बादशाह है वो जो फकीर है उसके चरणों में आ जाएगा। जैसे ही ये बात सुनता है शेख इस्लाम सोचता है कि यदि औरंगजेब बादशाह एक हिंदू फकीर के चरणों में चला गया तो पूरे देश की जो बादशाहत है पूरे देश को कौन संभालेगा, और वो डर जाता है, और यही सोचकर सुंदर साथ को
का पैगाम औरंगजेब तक नहीं ले जाता है। इधर श्री जी यहाँ पर तफ़सीर हुसैनी मंगाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि तफ़सीर हुसैनी में कई जगह परम धाम का वर्णन है। एक व्यापारी होता है सूरत का, वो कहता है कि मैं आपको दूंगा। उनके पास लालदास जी कई दिन तक जाते हैं, लेकिन कई दिन उनके पास जाने के बाद वो मना कर देता है। जब बहुत प्रयास करने के बाद भी जब नहीं मिलती है तो लालदास जी श्री जी को कहते हैं कि श्री जी उनके मन में खोट है, यानी वो किसी भी तरह से देना नहीं चाहता है। इधर दयाराम भाई जो एक दिल्ली के सुंदर साथ है वो वहीं पर उपस्थित होते हैं। वो जब ये बात सुनते हैं तो श्री जी को कहते हैं कि श्री जी ये सेवा आप मुझे दीजिए, क्योंकि यहाँ के लोगों से कैसे बात करनी है मुझे पता है, क्योंकि दिल्ली के चप्पे चप्पे को मैं जानता हूँ। और यही सोचकर दयाराम भाई जाते हैं, क्योंकि कई मुसलमान उनके परिचित थे। वो कहते हैं, एक हिंदू का नाम लेकर कहते हैं कि उन्होंने मुसलमान का नाम लेते हैं और कहते हैं कि उन्होंने तफ़सीर हुसैनी मंगाई है, क्योंकि मुसलमान कभी भी हिंदुओं को अपना धर्म ग्रंथ देना नहीं चाहते हैं। आज परिस्थिति कुछ और है, आज तो वो लोग फ्री में भी कुरान बांटते हैं कई जगह, लेकिन उस समय स्थिति कुछ और थी। उस समय यदि कोई हिंदू उनके कुरान को पढ़ता भी या कोई भी उनका ग्रंथ पढ़ता तो ये मुसलमान सहन नहीं करते थे, क्योंकि उनके अंदर क्या भरा हुआ था कि शरीयत किसी को, यानी बिना मुसलमान के किसी को भी मुसलमान के ग्रंथों को पढ़ने की इजाज़त शरीयत नहीं देती है। अब बहुत प्रयास करने के बाद दयाराम भाई जाते हैं दुकान पर और कहते हैं कि एक मुसलमान ने तफ़सीर हुसैनी मंगाई है और 40 रुपया वो कीमत बताता है, लेकिन उसमें से 2 रुपये और कम करता है। अब दयाराम भाई तफ़सीर हुसैनी लेकर आते हैं, श्री जी के चरणों में रखते हैं और श्री जी बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि श्री जी का एक ही उद्देश्य है कि किसी भी तरह जब कुरान के वास्तविकता को हम औरंगजेब को बताएंगे तो जब औरंगजेब इन बातों को समझ जाएगा तो वो अत्याचार करना छोड़ देगा। इधर श्री जी एक मुसलमान को बुलाते हैं जिनका नाम है कायम मुल्ला, और जब जैसे रुक के लिखवाए जाते हैं तो वहाँ पर एक आसाजित वकील जो हिंदू होता है वो जब सोचता है कि ये कैसे लोग हैं जो औरंगजेब के सामने टक्कर ले रहे हैं, यानी औरंगजेब को ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं, और यदि इनसे कुछ चूक हो गई तो औरंगजेब इनकी गर्दन को कलम कर देगा। और वो कहता है ये कैसे हैं बिना सिर के आदमी, यानी जिनको मरने का कोई डर नहीं है, क्योंकि मरने से कौन डरता है, जिनके अंदर संसार के सुखों की इच्छाएं होती है वही लोग मरने से डरते हैं, लेकिन जिनके अंदर संसार के सुखों की इच्छा नहीं होती है उनको मौत से भी डर नहीं लगता है। सुंदर साहब के अंदर तो एक ही इच्छा थी कि औरंगजेब के अंदर साकुमार बाई की वासना है और उसको जगाना है, इसलिए सुंदर साहब का ये प्रयास देखकर आसाजित वकील डर जाता है। सुंदर साथ उसको एक वहाँ पर एक सनंद भी सुनाते हैं बिना एक मोहम्मद के, जिसमें वर्णन किया गया है कि मोहम्मद साहब के अलावा और कोई नहीं है। जैसे हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में क्या है, जैसे वेदों में एक परमात्मा का वर्णन है, वेदों में कहा गया है कि परमात्मा एक ही है, एकम एव अद्वितीयम, लेकिन आज हमारा हिंदू समाज वेदों को कहाँ मानता है। हमारा हिंदू समाज पीछे होने का कारण यही है कि हमने अलग अलग देवी देवताओं को माना, कोई किसको परमात्मा मान रहा है कोई किसको परमात्मा मान रहा है, और इसलिए हम पीछे हो गए। इसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा ने हमारे देश को बहुत पीछे लाकर खड़ा कर दिया। मुसलमान
भले कितने भी गलत काम करते हो, लेकिन वो एक अल्लाह ताला को मानते हैं। हमारे यदि वेदों को हम मानते, वेदों के अनुसार हम चलते, तो हम भी एक परमात्मा को मानते। लेकिन हमने वेदों को कभी नहीं पढ़ा, उपनिषदों को कभी नहीं पढ़ा, और पुराणों में कई बातें ऐसी गलत भी है जिसको पढ़ने के बाद आज हमारा सारा हिंदू समाज अपनी राह से भटक गया है। इसीलिए आशाजीत वकील भी उसी मानसिकता के थे, और वो यही सोचते हैं कि ये लोग कैसे लोग हैं जो यहाँ पर तो हिंदू धर्म की कोई जगह ही नहीं है, और वो फिर सीजी के पास भी आना छोड़ देते हैं कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यदि औरंगजेब को इस बात का पता चलेगा कि मैंने भी इसमें सहयोग दिया है तो मेरा भी बचना मुश्किल हो जाएगा। इधर श्री जी तफ़सीर हुसैनी को सुनते हैं, जो कायम मुल्ला आते हैं वो हिंदी में अर्थ करके सुनाते हैं श्री जी को। श्री जी सुनते सुनते इतने मग्न हो जाते हैं कि तीन रात तक लगातार सुनते हैं, क्योंकि तफ़सीर हुसैनी में वर्णन आता है जब इना इंजुलना सूरत पढ़ता है कायम मुल्ला, तो उसमें वर्णन आता है कि लैलतुल कद्र की रात्रि है, यानी एक रात्रि है जो लंबी चौड़ी है और उसके तीन भाग हैं। तीन भाग कौन से हैं? ब्रज, रास और जागनी। यानी ब्रज, रास और जागनी को ही इना अंजुलना सूरत में लैलतुल कद्र की रात्रि कहा गया है। श्री जी आगे जब कायम मुल्ला पढ़ता है तो इना आते ना सूरत में जमुना जी का वर्णन आता है, होज कोसर तालाब का वर्णन आता है, और भी कई बातें परमधाम की जो तफ़सीर हुसैनी के अंदर वर्णन जब श्री जी सुनते हैं तो सब सुंदर साथ को ये पाती भेजते हैं कि सुंदर साथ जी जो बात हिंदू धर्म ग्रंथों में कही है वही बात मुसलमानों को भी ग्रंथों में कही हुई है। श्री जी कहते हैं, सुनियो भीम मुकुंद जी उद्धव केशव श्याम, हम पाती पड़ी मोहम्मद की पाई हकीकत धाम। कि मैंने मोहम्मद साहब की पाती को पढ़ा है जिसमें सारी परम धाम की साक्षियां हैं, और ये साक्षियां जब हम औरंगजेब को बताएंगे तो शायद औरंगजेब हमारी बात को स्वीकार कर लेगा। अब श्री जी जिसे क़यामत के साथ निशान के बारे में कल हमने सुना था, जिसमें दाबतुलाज नाम का जानवर जिसके पहाड़ी बेल के सिंह, जिसके ऊपर पहाड़ी बेल के सिंह होंगे, छाती शेर की होगी, पीठ गिद्धड़ की होगी, आंखें सुअर की होगी, और कान किसके? हाथी के होंगे, और उसकी गर्दन किसकी होगी? मुर्गे की। मुर्गे की गर्दन इसलिए कहा गया है कि वो किसी के इंसान की प्रवृत्ति उस समय ऐसी होगी कि वो किसी के सामने झुकना नहीं चाहेगा। आज भी हम लोगों को देखते हैं तो कोई भी किसी के सामने झुकना नहीं चाहता है, सबको क्या होता है? अपना अहंकार प्यारा होता है। मुर्गा जब हम देखते हैं झुकता भी है तो कैसे? गर्दन को सीधी रख के चोंच मारता है कुछ उठाने के लिए, लेकिन उसकी गर्दन झुकने नहीं देता है वो। तो क़यामत के समय में इंसान की प्रवृत्ति भी ऐसी हो जाएगी, इसी बात को दर्शाने के लिए क्या कहा गया है कि दाबतुल अजनाम के जानवर की गर्दन किसकी होगी? मुर्गे की। और एक निशान जो कल छूट गया था, जैसे सूरज का पश्चिम से उगना। मुसलमान आज भी पाठ देखते हैं कि जब क़यामत का समय आएगा तो सूरज कहाँ से निकलेगा? पश्चिम से। लेकिन उनको ये नहीं पता कि प्रकृति के नियम के विरुद्ध कभी भी सूरज पश्चिम से नहीं निकलेगा। सूरज का पश्चिम से निकलना क्या है? सबसे पहले परमधाम का ज्ञान अरब की धरती पर आया, जिसको हम कुरान कहते हैं। कुरान के अंदर क्या था? उस समय अरब की धरती के जो लोग थे
उनको कैसे रहना है, कैसे जीना है, क्या खाना है, इसका कुछ भी पता नहीं था। एक पशुओं की तरह जीवन व्यतीत करते थे। उनको सही राह पर लाने के लिए और 11वीं सदी में जब आखिरुल मोहम्मद मेहंदी आएंगे तो उनकी साक्षी देने के लिए ही कुरान का अवतरण हुआ था। अब सबसे पहले यह ज्ञान अरब की धरती पर आया, कहाँ का? परमधाम का ज्ञान, इसलिए उसको क्या कहा गया है? पूरब। और अभी जो ये ज्ञान है परमधाम का, वो कहाँ पर आया है? हिंदुस्तान की धरती पर। यह भी बात कही गई है कि जो सूरज निकलेगा वो मुसलमानों के लिए बिना रोशनी का होगा। तो आज वो परमधाम का ज्ञान हिंदुस्तान में अवतरित हुआ है और मुसलमानों के लिए ये अंधेरा रहा है, क्योंकि मुसलमान कभी भी ये स्वीकार नहीं करते कि उस असहजिम का ज्ञान किसी हिंदुओं के पास आए। लेकिन उनको क्या पता। लेकिन श्री जी जब उस रुके के माध्यम से सारी बातें लिखकर भिजवाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सफलता अभी हाथ नहीं मिलती है। श्री जी, जिसे कल हमने सुना, लालदा जी को और गोवर्धन दास जी को मुल्ला के पास भी भेजते हैं, वहाँ पर भी कुछ साक्षियाँ मिलती है। वहाँ से श्री जी दिल्ली से फिर जाते हैं अनूप शहर। अनूप शहर जाते समय सनद ग्रंथ का अवतरण होता है। अषाढ़ का महीना था, मूसलाधार बारिश हो रही होती है। उसमें श्री जी को अतिसार हो जाता है और काफी करने के बाद भी ठीक नहीं होता है। उस समय श्री जी को जोश आता है और सनंद की वाणी अवतरित होती है, जिसमें जो कुरान के 30 सिपारे हैं उन 30 सिपारों का बातूनी अर्थ बताया गया है सनंद ग्रंथ में। और 12 प्रकरण कलश के हैं, उसमें हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जो रहस्य हैं वो खोले गए हैं। जब सनंद की वाणी अवतरित हो जाती है तो श्री जी शेख बदल भाई को आदेश देते हैं कि शेख बदल भाई, आप इस सनंद की वाणी ले जाओ और इसका गायन करो। शेख बदल भाई श्री जी की आज्ञा मानकर सनंद की वाणी लेकर मस्जिद में जाते हैं। वहाँ जाकर सुनाते हैं विनायक मोहम्मद की सनंद, गा गा के सुनाते हैं। जो लोग नमाज पढ़ने आते हैं जुम्मे के दिन, वो सारे सनंद की वाणी को सुनते हैं और कहते हैं कि ये वचन तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या कहते हैं, ये हिंदी भाषा में है। हिंदी भाषा में होने के कारण वो उसको सुनना स्वीकार नहीं करते हैं। शेख बदल भाई बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन कोई भी सनंद की वाणी सुनकर शेख बदल भाई के पास भी नहीं आते हैं कि, और कहते हैं शेख बदल भाई को कि ये हिंदी भाषा में है इसलिए हम इसको नहीं सुनेंगे। शेख बदल भाई इधर वापस दिल्ली आते हैं। श्री जी भी अनूप सर से, जो एक पाठक है, उसको मिलकर उसको जगा के श्री जी भी वापस दिल्ली आ जाते हैं, सराय रोहिल्ला खान की हवेली में। यहाँ पर श्री जी आकर पुनः सबको इकट्ठा करके वाद विमर्श, एक सभा बुला के ये निर्णय लिया जाता है कि औरंगजेब को जगाना है, क्या किया जाए। श्री जी 5 रुके तैयार करवाते हैं, जो औरंगजेब के 5 खास दरबारी है, शेख निजाम, शेख इस्लाम, सिदी पोलाद, रिजवी खान और आकिल खान। श्री जी उन रुकों के अंदर क़यामत के 7 निशान के बारे में पूर्ण रूप से वर्णन कर देते हैं कि मुसलमानों, जिस क़यामत की आप बाट देख रहे हो वो क़यामत आ चुकी है। आखिरुल मोहम्मद मेहंदी आ चुके हैं, जबराइल अस्ताफिल जाहिर हो चुके हैं, इसारू अल्लाह आ चुके हैं और दाबतुल अज नाम का जानवर भी जाहिर हो चुका है, लेकिन अभी भी तुम किसकी बाट देख रहे हो। इधर कांजी भाई
को ये सेवा दी जाती है। कांजी भाई रुक्का लेकर जाते हैं, सबसे पहले शेख इस्लाम के पास जाते हैं और कहते हैं कि काजी साहब ये रुक्का आपके नाम पर है, यानी आपको देना है। शेख इस्लाम पूछता है कि आप कहाँ से आए हो, ये रुक्का किसने भेजा है। कांजी भाई कहते हैं कि मैं तो अपना पेट भरने के लिए, पैसों के लिए काम करता हूँ, और ये रुक्का एक फ़कीर ने भेजा है जो पहाड़ी में वहाँ पर बैठा हुआ है, और मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे तो पैसों से मतलब है, इसलिए मैं आप तक ये रुक्का पहुँचाने आया हूँ। इधर शेख इस्लाम पढ़ता है तो पढ़ते ही उसका दिमाग चकरा जाता है कि वो सोचता है कि ये तो कयामत की बातें हैं, और कयामत का नाम सुनते ही मुसलमान घबराते हैं। क्यों? जिसे कयामत का अर्थ होता है अखंड करने वाला ज्ञान, लेकिन मुसलमान क्या सोचते हैं, कयामत यानी कि महाप्रलय। अब शेख इस्लाम पढ़ता तो है लेकिन कहता है कि क्या केवल मेरे लिए ही ये रुक्का है या और लोगों के लिए भी है। कांजी भाई कहते हैं कि और भी चार लोगों के लिए है। कांजी भाई उनको सुना देते हैं कि शेख इस्लाम आप जल्दी से जल्दी इस रुक्के को पढ़कर इसका जवाब मुझे दीजिए। काजी शेख इस्लाम कहता है कि पहले आप उन लोगों तक पहुंचाओ, बाद में मैं इसका जवाब दूंगा। कांजी भाई शेख निजाम के पास जाते हैं, शेख निजाम को रुक्का देते हैं। शेख निजाम भी यही पूछता है कि क्या रुक्का मेरे लिए है या और के लिए भी है। कांजी भाई सुनाते हैं कि शेख इस्लाम को मैंने दे दिया और आपको लेकर चार लोगों को और देना है। शेख निजाम भी कहता है कि आप पहले सबको दे आओ, बाद में हम इसका जवाब देंगे। इधर कांजी भाई आकिल खान के पास जाते हैं, आकिल खान रुक्का लेने से मना कर देता है। आकिल खान बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होने के कारण और उसका तामसिक आहार होने के कारण वो सोचता है, ये कहता है कि इस रुक्के पर तो मेरा नाम ही नहीं है और मैं ये रुक्का नहीं लूँगा। कांजी भाई प्रयास करते हैं लेकिन आकिल खान रुक्का नहीं लेता है। इधर स्थिति रिजवी खान के पास जाते हैं, रिजवी खान को भी कहते हैं। रिजवी खान भी यही बात पूछता है कि क्या मेरे लिए है या औरों के लिए भी है। कांजी भाई बता देते हैं कि इनको मैं देखकर आया हूँ और केवल सिद्दीक औलाद को देना बाकी है। रिजवी खान को देखकर कांजी भाई सिद्दीक औलाद के पास जाते हैं, सिद्दीक औलाद से जाकर कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके आप हमें इसका जवाब दीजिए, ताकि मैं जा, क्योंकि जब तक मैं उस फ़कीर को जवाब नहीं दूंगा वो फ़कीर मुझे पैसे देने वाले नहीं हैं। इधर रुक्का देकर कांजी भाई वापस आते हैं और सब सुंदर साहब को ये बात बताते हैं, और श्री जी के पास जाकर श्री जी को भी सारी बात बताते हैं कि कैसे कैसे रुक्का दिया और कैसे कैसे अड़चने आई। इधर अब कांजी भाई उसका जवाब लेने के लिए जाते हैं, रोज जाते हैं, लेकिन जब शेख इस्लाम के पास जाते हैं तो वो शेख निजाम के पास भेज देता है, शेख निजाम के पास जाते हैं तो वो किसी और के पास भेजता है। इस तरह कांजी भाई 2 महीने तक उनके घर गए और उनके सामने झुककर प्रार्थना की कि आप किसी भी तरह मुझे जवाब दीजिए, और यदि आपको जवाब नहीं आता है तो आप जाकर औरंगजेब को बता दो कि इस प्रकार का रुक्का हमें मिला है। औरंगजेब समझदार है, वो सारी बातें मेरी समझ जाएंगे। लेकिन काजी क्या कहते हैं कि यदि औरंगजेब को बताने में कोई चूक हो गई तो हमारी गर्दन कलम हो जाएगी, और ये सोचकर औरंगजेब को भी नहीं बताते हैं, और जब जवाब मांगते हैं तो जवाब भी नहीं देते हैं। रिजवी खान के पास जाकर कहते हैं कांजी भाई कि मैं आपके लिए खुशी के वचन लाया हूँ और आप
जवाब तो दे दीजिए। तो रिज़वी खान कहता है कि आप खुशी के वचन क्या लाए, आप तो क़यामत की बातें लाए हो, और अभी तो हमारे अंदर संसार में जीने की ख्वाहिश है, अभी हमें संसार के सुखों का भोग करना है, और आप अभी ही क़यामत की वचन लेकर आ गए हो, आपको तो जीवित भी नहीं रहने देना चाहिए। ऐसी बातें कौन कहता है? रिज़वी खान। क्योंकि मुसलमानों को बेचारे को ये नहीं पता कि इस पैगाम के अंदर क्या लिखा हुआ है, कि जो आखिरुल मोहम्मद मेहंदी के आने की बात लिखी हुई है, लेकिन बदनसीब रिज़वी खान उसको क्या पता। पता नहीं होने के कारण ही वो कांजी भाई को मना करता है और कहता है कि आपको तो जीवित रहने देना नहीं चाहिए, क्योंकि संसार के अंदर केवल संसार के सुखों की ही आस भरी होती है। जिसे मैंने कल भी बताया था कि किसी को परमात्मा नहीं चाहिए। अब है मुसलमान, उनको अल्लाह ताला नहीं चाहिए, क्या चाहिए? संसार के सुख। वो कहता है कि अभी तो हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, बीवी है, उनको छोड़कर आप कयामत की बात कैसे लेकर आ गए हैं। इधर सारे संसार में लोगों की यही प्रवृत्ति है। कोई कोई विरला ही होगा जिनके हृदय में परमात्मा के लिए तड़प होगी और जो परमात्मा को जानने का प्रयास करता है, नहीं तो दुनिया केवल प्रश्न क्या होता है कि जब हमारे पास सारी सुविधाएं हैं तो परमात्मा की क्या आवश्यकता है। लोग सोचते हैं कि हमारे पास इतना धन है, इतनी प्रतिष्ठा है, सब कुछ तो है, फिर परमात्मा को हम क्या करेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि मानव जो तूने इकट्ठा किया है वो तेरा एक न एक दिन छूट जाएगा। किसी कवि ने बहुत अच्छी बात कही है, धनानि भूमौ पश्वस्य गोष्ठे भार्या गृह द्वारी जन शमशाने देह चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एका। क्या कहा है? धनानि भूमौ, कि जो हमारा धन है यदि वो बैंकों में है या कहीं जमीन में है गड़ा हुआ तो वहीं का वहीं रह जाएगा। पश्वस्य गोष्ठे, और जो हमारे पशु है जो जहाँ बंधे हैं वहीं के वहीं बंधे रह जाएंगे। और भार्या गृह द्वारी, पत्नी कहाँ तक? घर के दरवाजे तक। और जो गांव के लोग होते हैं वो कहाँ तक? शमशान घाट तक। इसके आगे कोई भी हमारे साथ आने वाला नहीं होता है, लेकिन फिर भी इंसान की आंखें नहीं खुलती है। इधर रिज़वी खान भी इसी प्रवृत्ति वाले थे, केवल उनको संसार के सुखों की ही आशा थी। इधर कांजी भाई सिद्दी पोलाद के पास जाते हैं, सिद्दी पोलाद को कहते हैं कि सिद्दी पोलाद जी, आप मुझे जवाब दीजिए ताकि मैं उस फकीर से अपना मेहनताना ले सकूं। सिद्दी पोलाद कहता है कि भाई ये मेरा काम नहीं है, ये तो काजी मुल्लाओं का काम है, मैं क्या जानूँ कुरान की बातें। कांजी भाई दोबारा सबके पास जाते हैं लेकिन कोई भी जवाब नहीं देते हैं, एक दूसरे पर टालते रहते हैं। जब बहुत प्रयास करने के बाद भी जब जवाब नहीं मिलते हैं, कांजी भाई आकर सी जी को सारी बात सुनाते हैं। यहाँ पर एक प्रसंग आता है, बिहारी जी महाराज को पता चलता है कि मेराज ठाकुर को भले मैंने निकाल दिया लेकिन उसने तो हरिद्वार में जाकर सब धर्माचार्यों को भी हरा दिया और इनकी बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा हो गई है। अब किसी भी तरह से उनके साथ भी व्यवहार बनाकर रखना होगा। यही सोचकर वो तीन सुंदर साथ को भेजते हैं, नाग जी, प्रेम जी और संघ जी। ये तीनों सुंदर साथ आते हैं दिल्ली में। दिल्ली में आकर जैसे श्री जी से मिलते हैं, लेकिन उनकी मानसिकता क्या है कि सदगुरु धनी श्री देवचंद जी से
हमने भी तारतम लिया है और महाराज ने भी उन्हीं से तारतम लिया है, यानी श्री जी कौन है, हमारे गुरु भाई है। इसी भावना से वो वहाँ पर आकर व्यवहार करते हैं और अपने आप को बड़ा मानते हैं, क्योंकि वो क्या सोचते हैं कि हम तो सद्गुरु महाराज की यानी स्थान जो गादी का स्थान है वहाँ से आए हैं और हमारी प्रतिष्ठा इनसे ज़्यादा है। लेकिन आकर जब चर्चा सुनते हैं श्री जी से एक बदल और भीम भाई को भी जैसे उनके द्वारा भी ज्ञान सुनवाते हैं, और जब श्री जी चर्चा करते हैं तो नाग जी, प्रेम जी और संघ जी को श्री जी के स्थान में सद्गुरु धनिष्ठी देवचंद जी दिखाई पड़ते हैं। वो आंखें मलते हैं, दोबारा देखते हैं कि कहीं हमारी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है, लेकिन दोबारा वही होता है। तब वो समझ जाते हैं कि सद्गुरु धनिष्ठी देवचंद जी किसके तन में विराजमान है, महाराज के तन में। और सब सुंदर साथ को कहते हैं कि सद्गुरु धनिष्ठी देवचंद जी महाराज के अंदर ही विराजमान है और इन्हीं के द्वारा ही जागनी का कार्य हो रहा है। सब सुंदर साथ को पत्र लिखते हैं कि सुंदर साथ जी, यहाँ पर हमने सद्गुरु धनिष्ठी देवचंद जी को महाराज के तन में देखा है। श्री जी के चरणों में भी प्रणाम करके कहते हैं कि हमने आपकी पहचान नहीं की। इधर प्रेम जी भाई, जिनका ईमान दृढ़ हो गया था, उनको पूर्ण पहचान हो गई थी कि इस तन में अक्षरातीत विराजमान है। नाग जी और संघ जी को भी दर्शन तो हुए थे लेकिन अभी पूर्ण पहचान वो नहीं कर पाए। जब 22 दिन तक श्री जी के पास रहते हैं, 22 दिन रहने के बाद वापस जाते हैं जामनगर। जामनगर जाते समय कई सुंदर साथ उनको मिलते हैं, जाते जाते ही उनका ईमान डगमगाने लगता है। वो वापस कहने लगते हैं कि सद्गुरु धनिष्ठी देवचंद जी तो गादी पर विराजमान है, यानी बिहारी जी के अंदर विराजमान है। जाते जब नौतनपुरी पहुँचते हैं, वहाँ जाकर बिहारी जी महाराज को कहते हैं कि बिहारी जी महाराज, हमने सद्गुरु महाराज को तो महाराज के तन में देखा है और जागनी का कार्य उनके द्वारा ही हो रहा है। जब बिहारी जी महाराज ये बात सुनते हैं तो सुनते ही आग बबूला हो जाते हैं और कहते हैं कि जब महाराज ही धाम के धनी हैं तो मुझे गादी पर क्यों बैठा रखा है। और यही बात कहकर बिहारी जी महाराज वहाँ से उठकर भाग जाते हैं। सारे सुंदर साथ पीछे पीछे दौड़ते हैं कि धाम धनी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन बिहारी जी नहीं मानते हैं। एक जगह पर जाकर बैठ जाते हैं, 3 दिन तक वहीं रहते हैं और कहते हैं अब मैं आने वाला नहीं हूँ, आपको महाराज के अंदर धाम धनी दिखते हैं तो उनको गादी पर लाकर बिठाइए। इधर सुंदर साथ कहते हैं कि बिहारी जी महाराज, हमसे भूल हो गई, हमारे धाम धनी आप ही हैं और आपके सिवा और धाम धनी कौन हो सकता है। जब पैर पकड़कर मिन्नतें मांगते हैं और कहते हैं कि आप ही धाम धनी हो, सद्गुरु महाराज आपके अंदर ही विराजमान है, तब किसी भी तरह बिहारी जी महाराज को राजी होते हैं। बिहारी जी महाराज को सुंदर साथ की जागनी से कोई मतलब नहीं है, उनको किससे मतलब है, अपनी गादी से, बस गादी पर मैं बना रहूं, उनका भाव यही है। सुंदर साथ की जागनी कैसे होनी है, कैसे जागनी करनी है, इन बातों से कोई भी मतलब नहीं है। इधर श्री जी है जो सुंदर साथ को जगाने के लिए कितना प्रयास करते हैं। कभी आगे प्रसंग आएगा औरंगाबाद में, जब आएगा प्रसंग तो कई जगह तो श्री जी को रहने के लिए भी नहीं देते हैं। कोई कहते हैं ये हिंदू है, कोई कहते हैं ये मुसलमान है। और सुंदर साथ को जगाने के लिए कितने कितने कष्टों का सेवन करना पड़ता है, कहीं भिक्षा भी मांगनी पड़ती है। लेकिन श्री जी का उद्देश्य है कि चाहे कितने भी कष्ट आए, लेकिन सुंदर साथ को, सुंदर साथ की आत्मा को जागृत करना है। इधर किसी भी तरह बिहारी जी महाराज को दोबारा लाकर गादी पर बिठाया जाता है और वही
नाग जी और संघ जी दोबारा पत्र लिखते हैं सुंदर साथ को कि सुंदर साथ जी, कोई भी श्री जी साहेब जी की तरफ ईमान नहीं लाना, क्योंकि सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी किसके तन में विराजमान है? बिहारी जी के तन में विराजमान है। अब सुंदर साथ भी कहते हैं कि आप ये क्या दो प्रकार की बातें करते हो, कभी तो कहते, पहले तो कह रहे थे कि महाराज के तन में विराजमान है, और फिर अब कह रहे हो कि बिहारी जी के अंदर विराजमान है। तब वो कहते हैं कि हमने गलतीवश हमारे से ये बातें हो गई है, लेकिन वास्तव में धामधनी बिहारी जी के अंदर ही विराजमान है। क्यों ऐसा कहना पड़ा? क्योंकि ऐसा नहीं कहते तो बिहारी जी महाराज फिर वहाँ से भाग निकलते। बिहारी जी को गादी पर बैठाने के लिए सुंदर साथ को ऐसा कहना पड़ा। इधर औरंगजेब को जगाने के लिए श्री जी प्रयासरत है, दिल्ली में विराजमान है। जब पांच दरबारियों के पास रुक के पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। एक नंदलाल घड़ियाल जी है जो श्री जी की चर्चा सुनकर ईमान लाए, जिन्होंने तारतम ज्ञान ग्रहण किया। उनकी वो कार्यरत है कहाँ पर? जामा मस्जिद में, जहाँ पर सब मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। नंदलाल घड़ियाल जी को सब सुंदर साथ मिलके बताते हैं कि आप किसी भी तरह इस रुके को जामा मस्जिद का जो स्नान गृह है वहाँ पर चिपका दीजिए। नंदलाल घड़ियाल जी मान जाते हैं इस बात के लिए, और उस रुके में लिखा था कि कोई भी मुसलमान इस रुके को बिना पढ़े यदि नमाज पढ़ने जाएगा तो उसकी नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करेंगे और उसको लानत लगेगी। और जो भी, अब जैसे सुबह के समय रुका चिपकाया जाता है, रात को, रात के अंधेरे में नंदलाल घड़ियाल जी रुका चिपकाते हैं। सुबह जब होती है, जैसे ही मुसलमान नमाज पढ़ने जाते हैं तो पढ़ते हैं, तो वहाँ पर पढ़ने के लिए भीड़ इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि उसमें लिखा था कि जो बिना पढ़े जाएगा उसको लानत लगेगी और उसकी नमाज स्वीकार नहीं होगी। अब ये बात होते होते औरंगजेब तक पहुँच जाती है। औरंगजेब को जब पता चलता है किसी ने रुका चिपकाया है, औरंगजेब उसको मंगवाता है और पढ़ता है, जिसमें कुरान से संबंधित और आखिर मोहम्मद मेहंदी से संबंधित कई सारी बातें थी। औरंगजेब समझ जाता है कि जिन लोगों ने रुका चिपकाया है वो पहले मेरे दरबारियों के पास आए हैं, लेकिन मेरे दरबारियों ने मेरे तक नहीं पहुंचाया उनको, इसलिए उनको मजबूर होकर वहाँ पर रुका चिपकाना पड़ा। औरंगजेब शेख इस्लाम को बुलवाता है और कहता है कि शेख इस्लाम, तेरी जिम्मेदारी थी कि कोई यदि मुझे मिलना चाहता है या कोई सूचना है तो उसको मेरे तक पहुंचाना था, लेकिन तूने नहीं पहुंचाया, इसीलिए इन लोगों ने वहाँ पर गुसल खाने पर ये रुका चिपकाया है। शेख इस्लाम को उस स्थान से हटा देते हैं कि ये आपका काम नहीं है, आप इसके योग्य नहीं हो। और उसके स्थान पर शेख निजाम का बेटा जो अब्दुल्ला था उसको रखा जाता है। इधर बादशाह औरंगजेब कहता है कि जिन लोगों ने रुका चिपकाया है उन लोगों को ये खबर कर दो कि मैं जब नमाज पढ़ने जाऊंगा तो वो मेरे से आकर मिल ले, यानी मैं उनको मिल लूँगा। लेकिन जिन लोगों ने ढिंढोरा पिटवाया उन्होंने बात को बदल दिया, क्योंकि पहले ही शेख निजाम, शेख इस्लाम, अकील खान, रिजवी खान और सिद्दी पोलाद के पास कांजी भाई 2 महीने तक गए थे और उनको पता था कि ये रुका चिपकाने वाले वही लोग हैं, लेकिन अब इस बात को छिपाना था, इसलिए उन्होंने अब्दुल्ला को समझा दिया कि आप ढिंढोरा ऐसा पिटवाइए कि औरंगजेब बादशाह से जो भी मिलना चाहता है वो आकर मिल सकता है। इधर
दूसरे दिन जब बादशाह निकलता है तो कई सारी भीड़ सामने इकट्ठी हो जाती है। बादशाह देखता है कि इतने सारे लोग कैसे आ गए। उस भीड़ में लाल दास और निर्मल दास जाते हैं बादशाह से मिलने के लिए। अब्दुल्ला सब की शिकायत लेता है और अपने पास रखता जाता है, लेकिन जब सुंदर साथ भी वो रुक्का देते हैं अब्दुल्ला को, तो अब्दुल्ला क्या करता है, उसको देख के समझ जाता है कि ये वही रुक्का है जिसको मुझे छिपाना है। क्यों छिपाना है? क्योंकि पहले काजी मुल्ला ने अब्दुल्ला को समझा दिया है कि यदि ऐसे ऐसे कोई बात आती है तो उसको औरंगजेब तक नहीं पहुँचने देना है। अब अब्दुल्ला क्या करता है, उस रुक्के को लेकर फाड़ कर अपनी जेब में डाल देता है। औरंगजेब कुछ ही दूरी पर खड़े थे, लाल दास और निर्मल दास भी वहीं पर खड़े थे, लेकिन औरंगजेब जब देखते हैं इतनी सारी भीड़ से मैं कैसे मिलूँगा, तो वो वापस लौट जाते हैं। सुंदर सात कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे भी भागते हैं, लेकिन बादशाह कहाँ रुकने वाले थे। इधर सुंदर सात वापस लौट कर आते हैं, श्री जी को सारी बात बताते हैं कि श्री जी हमने प्रयास तो बहुत किया लेकिन सफलता नहीं मिली। सफलता नहीं मिलने का कारण है काजी मुल्ला, उनके अंदर भरी हुई कट्टरता। कुरान के अंदर एक अल्लाह ताला के बारे में वर्णन है और कई बातें ऐसी भी लिखी है कि यदि कोई अल्लाह ताला की राह पर आना चाहता है उसमें जो बाधक बनता है उसको लानत लगती है। और भी कई बातें लिखी है, लेकिन काजी मुल्ला को तो कुरान से भी कोई मतलब नहीं था, उनको बस अपनी शरीयत प्यारी थी और उनका स्वाद कि यदि औरंगजेब बादशाह एक हिंदू फकीर के चरणों में चला गया तो हमारा क्या होगा। इसी बात को लेकर काजी मुल्ला सुंदर साथ को औरंगजेब तक नहीं पहुंचने देते हैं। इधर सुंदर साथ दोबारा मिलकर बैठते हैं, सब निर्णय करते हैं कि अब क्या किया जाए। इतना प्रयास करने के बाद भी हम अपनी बात को औरंगजेब तक नहीं पहुंचा पाए। सुंदर साथ कहते हैं कि श्री जी आप हमें आज्ञा दीजिए और इस कार्य को अब हम अंजाम देंगे। श्री जी के सबको समझाते हैं कि सुंदर साथ जी सबको मिलकर यह कार्य करना है, लेकिन सुंदर साथ कहते हैं कि श्री जी हमने बहुत प्रयास कर लिया लेकिन अब तक हमें सफलता नहीं मिली, और यदि हम इसी तरह करते रहेंगे तो औरंगजेब को हम कैसे जगा पाएंगे। सुंदर साथ कहते हैं कि श्री जी हमें अब कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल आपकी इजाज़त चाहिए। यही सोचकर सब सुंदर साथ ये निर्णय करते हैं कि औरंगजेब तक पैगाम तो कैसे भी पहुंचाना ही है, इसके लिए चाहे हमें कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, और यदि हमें मरना भी पड़े तो हमें मरने का डर नहीं है। यही सोचकर सब इकट्ठे होते हैं और श्री जी को कहते हैं कि श्री जी हम चाहते हैं कि हम औरंगजेब तक ये बात पहुंचाएं, और आपसे प्रार्थना है कि आप एक स्थान में सुरक्षित रहिए, अब हम जाएंगे औरंगजेब के पास। सब सुंदर साथ मिलकर श्री जी को भोजन कराते हैं। सुंदर साथ भी सोचते हैं यदि औरंगजेब के पास जाने के बाद यदि दोबारा आना नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन जाने से पहले हम श्री जी को एक बार अपने हाथों से भोजन करा लें। सब सुंदर साथ मिलकर भोजन कराते हैं, उसमें श्याम भाई, राम राय, लाल भाई आदि भी होते हैं। श्याम भाई कौन है? लाल दास जी की बेटी। लाल भाई है लाल दास जी की धर्मपत्नी, और राम राय है लाल दास जी के दामाद। ये भी जब लाल दास जी चले थे तो ये भी लाल दास जी के साथ निकल पड़े थे, और इन्होंने भी श्री जी की पहचान कर ली और अपना जीवन श्री जी के चरणों में न्योछावर कर दिया। अब
सारे सुंदर साज मिलकर श्री जी को भोजन कराते हैं और बहुत ही जोश में कहते हैं कि श्री जी अब हमें मरने का डर नहीं है और जिसके अंदर डर है वो हमारे से अलग हो जाए। तो इसमें जो मुख्य मुख्य सुंदर साथ होते हैं, जो 12 सुंदर साथ, वो ये निर्णय लेते हैं और अपने आप को मिटाने के लिए तैयार होते हैं। उन 12 सुंदर साथ के नाम इस प्रकार हैं। ठट्ठा नगर से लालदास जी और चिंतामणि जी, सूरत से नागजी भाई और भीम भाई, बुंदेलखंड से खिमाई भाई और खंबात से सोमजी भाई, बाकी 6 सुंदर साथ दिल्ली के होते हैं जिसमें दयाराम, गंगाराम, बनारसी दास और चंचल दास, और 2 मुसलमान सुंदर साथ होते हैं शेख बदल और कायम मुल्ला। इन्होंने भी श्री जी के स्वरूप की पहचान की है क्योंकि श्री जी ने जब कुरान से इनको ज्ञान सुनाया था तब उनको पता चल जाता है कि कुरान के अंदर जो वर्णन है आखुल मोहम्मद मेहंदी के आने का, ये वही आखुल मोहम्मद मेहंदी है जो एक हिंदू के तन में विराजमान है, और यही पूर्ण पहचान करके शेख बदल और कायम मुल्ला भी श्री जी पर ईमान ले आते हैं। ये 12 सुंदर साथ औरंगजेब के पास जाने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि हम कहते हैं कि धर्म का प्रचार करना है, लेकिन धर्म का प्रचार करना इतना आसान नहीं होता है क्योंकि इसके लिए तो अपना जीवन दाव में लगाना पड़ता है। आज कई सुंदर साथ इस कार्य में लगे हुए हैं, उनको पता है कि ये कार्य करने में कितनी कठिनाइयां सामने आती है क्योंकि जब जागनी कार्य करने के लिए निकलते हैं तो कई लोगों से सामना होता है, कई लोग किस प्रकार की बातें करते हैं, कोई कुछ कहते हैं कोई कुछ कहते हैं। और अब यहाँ पर इन 12 सुंदर साथ ने फ़कीरी वेशभूषा, जैसे मुसलमान फ़कीर जो वेशभूषा पहनते हैं वही वेशभूषा इन 12 सुंदर साथ ने पहनी है। इधर जब ये सुंदर साथ फ़कीरों वाली वेशभूषा पहनते हैं इसका पता जो दिल्ली के सुंदर साथ होते हैं उनके घरों में चलता है, तो सारे लोगों में एक शोर मच जाता है कि ये इन्होंने क्या कर दिया। दयाराम के घर वाले तो कहते हैं कि हम दयाराम भाई की जगह किसी और को भेज देंगे, और आगे वर्णन आएगा कि दयाराम भाई के घर वाले क्या कहते हैं कि इन्होंने तो मुसलमानों वाली वेशभूषा पहन ली है, अब इनको तो वापस घर आने देना नहीं चाहिए क्योंकि इस सारा संसार एक स्वार्थ के कारण बंधा हुआ है। आत्मा न तु वे कामय सर्वम प्रियम भवति। इस संसार में यदि कोई हमें लगता है कि हमें प्रेम कर रहा है लेकिन वो प्रेम नहीं कर रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा हुआ है। संसार में जैसे पति पत्नी से प्रेम करता है लेकिन पति पत्नी से प्रेम नहीं करता है, पत्नी से अपना स्वार्थ है इसलिए प्रेम करता है, पत्नी पति से प्रेम करती है लेकिन पत्नी पति से इसलिए प्रेम करती है कि पति से अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। कोई कोई ही ऐसे होते हैं जिनके अंदर निस्वार्थ भावना होती है, नहीं तो अधिकतर लोग अधिकतर रिश्ते नाते केवल स्वार्थ के कारण ही बंधे होते हैं और इन्हीं के पीछे लगकर हम अपना जीवन गंवाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं परिवार को छोड़ दिया जाए, जहाँ हमें जन्म मिला है जो हमारा परिवार है जब तक ये शरीर है उसका उत्तरदायित्व हमें निभाना पड़ेगा और सबको निभाना भी चाहिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उनके पीछे हम अपना सारा जीवन लगा दें क्योंकि यदि
हमने उनके पीछे सारा जीवन लगा दिया और अपने जीव को भव सागर से पार करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, तो बाद में क्या होगा? क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि यहाँ जो भी है एक न एक दिन छूटने वाला है, कोई भी हमारे साथ आने वाला नहीं है। साथ में आएगा तो क्या, जो हमने अच्छे बुरे कर्म किए हैं वो हमारे साथ होगा। हमने परमात्मा को जितना याद किया है, परमात्मा की भक्ति की है, वो हमारे साथ आएगा। इसके अलावा दूसरा कुछ भी साथ में आने वाला नहीं है। और इस संसार में रहते हुए हर मनुष्य को ये प्रयास करना चाहिए कि वो कुछ समय अपने जीव को भव सागर से पार करने के लिए भी लगाए। पर हमारा बहाना क्या होता है कि समय नहीं है हमारे पास। लेकिन अपने दिल से पूछकर देखें, क्या वास्तव में समय नहीं होता है हमारे पास? समय सबके पास होता है, पर करना कोई नहीं चाहता। और बिना किए यदि हम सोचें कि हम कुछ भी ना करें और सब कुछ मिल जाए, तो ये भी संभव नहीं है। क्योंकि वाणी कहती है, करनी माफक कृपा, कृपा माफक करनी, ये दोनों माफक अंकुर के। तो हमें प्रयास तो करना ही पड़ेगा, ये बात ठीक है कि राज्य की मेहर से ही सब कुछ होगा, राज्य की मेहर के अलावा कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें भी प्रयास करना पड़ेगा और हर सुंदर साथ को करना चाहिए। वाणी कभी भी हमें बैठने के लिए इजाज़त नहीं देती है। जिसे कहती है वाणी कि सूता होए सो जागियो, जागा सो बैठा होइयो, बैठा ठाड़ा होइयो, ठाड़ा पाँव भरे आगे सोई। कि जो अज्ञानता की नींद में सोए हुए हैं वो जग जाए, और जो जगे हैं वो उठकर बैठ जाए। जो उठकर बैठ चुके हैं वो खड़े हो जाएं, जो खड़े हो गए हैं वो आगे दौड़ लगाएं। लेकिन कहीं बैठना नहीं है हमें। यदि राज्य का ज्ञान मिल गया है तो हम ईमान पर खड़े हो जाए, ईमान पर खड़े होकर इस और ईमान के पंख लगाकर हमें उड़ान भरनी है। तो धामधनी ने वाणी में बार बार हमें यही कहा कि सुंदर साथ जी, वाणी के ज्ञान को ग्रहण करके आप कहीं संतोष न धारण कर लेना कि अब हमने तात्म ज्ञान ले लिया या अब हमें ज्ञान हो गया, और ऐसा सोचकर कभी स्थिर होकर बैठ नहीं जाना। क्योंकि इस ज्ञान के सागर में, उस राज्य के प्रेम में हम जितना गहराई में जाएंगे उतना ही कम है। इधर जैसे मैंने एक बात बताई कि हर मानव को कुछ समय परमात्मा को याद करने के लिए निकालना ही चाहिए, अपने जीव को भव सागर से पार करने के लिए प्रयास करना ही चाहिए। क्योंकि तभी ये जीवन धन्य धन्य होगा, नहीं तो बाद में आंसुओं के सिवा हमारे हाथ में कुछ भी आने वाला नहीं है। इधर दयाराम भाई के घर वाले, परिवार वाले यही कहते हैं कि अब हमें दयाराम को कभी घर आने नहीं देना है। यहाँ तक कि उनके यदि किसी भी तरह मृत्यु हो जाए ऐसी कामना करते हैं घर वाले। क्योंकि उनको किसकी पड़ी है, अपनी इज्जत की, कि इन्होंने तो फकीरी मुसलमानों वाला वेश धारण कर लिया है। लेकिन वो बारह सुंदर साथ जिनके अंदर एक ही तड़प थी कि हमें धामधनी का संदेश किसी भी तरह औरंगजेब तक पहुंचाना है, और इसके लिए हमें कुछ भी कीमत चुकानी पड़े हमें मंजूर है। और इसी भावना को लेकर उन बारह सुंदर साथ ने अपने मुसलमानों वाली वेशभूषा में, फकीरों वाली वेशभूषा में जाते हैं जामा मस्जिद पर। वहाँ जाकर सनंदे गाते हैं, और जब जोश में सनंदे गाते हैं जोर जोर से, तब जो मस्जिद का जो इमाम होता है वो सुनता है, तो वो नीचे उतर कर आता है और उनके गाने, सनंदे गाने को देखकर आसमान की तरफ देखता है और कहता है कि ये तो दीन के सच्चे आशिक है, दीन-ए-इस्लाम के सच्चे आशिक है। वैसे दीन-ए-इस्लाम का अर्थ क्या होता है,
शांति का मार्ग। अब काजी जब उनके द्वारा सनंदी सुनता है तो ये कहता है कि मैं आपको औरंगजेब के पास ले जाऊंगा। यही कहकर औरंगजेब बादशाह के पास पहले से ही खबर भिजवा देता है काजी और कहता है कि दीने इस्लाम के प्रचारक है, दीने इस्लाम के सच्चे आशिक है। वैसे इससे पहले जब श्री जी ने 5 रुके भिजवाए थे 5 दरबारियों के पास, उस रुके के ऊपर श्री जी ने अपने हस्ताक्षर किए थे किस नाम से, सैयद मोहम्मद इब्न इस्लाम, जिसका अर्थ होता है शांति के मार्ग के प्रवर्तक। जो कांजीभाई रुक के लेकर जाता है उन रुकों में श्री जी ने इस नाम से हस्ताक्षर किए थे। अब यहाँ ये काजी भी कहता है कि ये तो दीने इस्लाम के सच्चे आशिक है। अब काजी औरंगजेब के पास उन 12 सुंदर साथ को लेकर जाता है और सामने ही खड़े होते हैं 12 सुंदर साथ। औरंगजेब आकर जब देखता है सभी सुंदर साथ जोश में कलमा पढ़ते हैं। इधर औरंगजेब बादशाह भी इनके जोश को देखकर आसमान की तरफ देखता है और कहता है ये तो वास्तव में दीने इस्लाम के सच्चे आशिक है। इधर औरंगजेब पूछता है कि आप किस कारण से यहाँ पर आए हैं, तो 12 सुंदर साथ कहते हैं कि हमें इस दुनिया का कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया के सुखों की परवाह वही लोग करते हैं जिनके अंदर तृष्णाएँ बनी होती है। लेकिन इधर सुंदर साथ को तो एक ही सुंदर साथ का उद्देश्य है कि औरंगजेब को जागृत करना, और उनको संसार के सुखों से कोई भी मतलब नहीं था। इसलिए सुंदर साथ कहते हैं कि बादशाह हमें इस फानी दुनिया का कुछ भी नहीं चाहिए। औरंगजेब के सामने जब सुंदर साथ जोश में बोलते हैं तो वहाँ जो काजी मुल्ला खड़े थे वो खड़े खड़े कांपते हैं कि कहीं हमारा नाम ना आ जाए, क्योंकि सुंदर साथ ने 2 महीने तक उन काजियों के पास जाकर जवाब मांगा था, उनको रुका दिया था, लेकिन किसने जवाब नहीं दिया था। अब सारे काजी मुल्ला वहाँ खड़े खड़े कांपते हैं। औरंगजेब भी सोचता है ये तो कैसे लोग हैं जिनके अंदर अल्लाह ताला की चाहत के सिवा और कुछ भी नहीं है। बादशाह दोबारा पूछता है कि आप कुछ तो बताइए, आपको क्या चाहिए। सुंदर साथ दोबारा जोश में बोलते हैं कि बादशाह सलामत हमें इस फानी दुनिया का कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन हम केवल इतना चाहते हैं कि हम आपसे एकांत में बात करें, और जब हम आपसे बात करें तो उसमें कोई दखल अंदाजी ना हो। बादशाह कहता है कि ठीक है, लेकिन काजी मुल्ला जो वहाँ होते हैं, बादशाह आदेश देता है काजियों को कि इनकी व्यवस्था की जाए रहने की खाने पीने की। काजी सुंदर साथ को सिदीप औलाद के पास भेज देते हैं। सिदीप औलाद सबको पूछते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये कौन है वास्तव में और इनको भेजने वाला कौन है, क्योंकि औरंगजेब को भी काजी मुल्लाओं ने भड़का दिया था कि बादशाह क्या पता किसी हिंदू राजा ने आपको मरवाने के लिए इनको भेजा हो, और इनके आमने सामने आपको बात नहीं करनी चाहिए, यदि कोई बात करनी भी हो तो सेवक को भेजकर उनके द्वारा बात करवाइए, इनके सामने आपको जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी भी हमें इनका पूर्ण पता नहीं है कि ये लोग कौन हैं। हो सकता है कोई हिंदू राजा दगा करके आपको ख़त्म करना चाहता हो। बादशाह भी इस बात से डर गया था। इधर काजी जब सिदीप पोलाद के पास सुंदर साथ को भेजते हैं, सिदीप पोलाद सबको पूछता है और
ये जानने का प्रयास करता है कि आपको भेजा किसने है, लेकिन सुंदर साहब कोई जवाब नहीं देते हैं। सिद्दीप पोलाद कोयलों से मार मारता है सुंदर साहब को कि किसी भी तरह ये बता दे, लेकिन सुंदर साहब के मुख से एक ही बात निकलती है, अल्लाह ताला। और इसके आगे कोई भी सुंदर साहब कुछ भी जवाब नहीं देते हैं। इतनी मार खाने के भी बाद भी सुंदर साहब नहीं बताते हैं कि हमको किसने भेजा है, लेकिन ये पता चल जाता है कि ये इसमें 6 लोग, 2 लोग मुसलमान हैं, बाकी सारे हिंदू हैं, और ये लोग दयाराम हैं, बनारसी भाई हैं, चंचल दास है, गंगाराम है, ये तो दिल्ली के ही हैं। अब जब सुंदर साथ को यातनाएं दी जाती हैं, सुंदर साथ दूसरे दिन आकर काजी को बताते हैं, कहते हैं कि काजी साहब कि आपके कुरान में यही लिखा है कि कोई रसूल साहब पर ईमान लाए, कि कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, उसको उसकी आप ऐसी हालत करो। सुंदर साहब पीठ दिखाते हैं, जब काजी उनके पीठ पर कोयले के निशान देखता है तो काजी भी रो पड़ता है। कोयले मारने वाला कौन है? सिद्दीक पोलाद, क्योंकि सिद्दीक पोलाद को अल्लाह ताला से या कुरान के ज्ञान से कोई मतलब नहीं था, वो तो एक कोतवाल था। कोतवाल का काम ही होता है पिटाई करना, और उन्होंने आओ देखा न ताओ सुंदर साहब की कोयलों से मार मारी। लेकिन धिक्कार है उनको कि जो एक अल्लाह ताला का पैगाम लेकर गए सुंदर साहब, जो ये चाहते हैं कि किसी भी तरह ये मुसलमान सही राह पर आ जाए, औरंगजेब जागृत हो जाए, और उनकी भलाई के लिए लिए जो पैगाम लेकर गए थे, उन सुंदर साहब को सिद्दीक पोलाद जैसे क्रूर व्यक्ति ने कोयलों से मारा। इधर काजी साहब को सुंदर साहब बताते हैं, यदि आप कैसे काजी हो और यदि आप कुरान को मानते हो तो आपके अंदर ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए थी। सुंदर साहब को औरंगजेब जब मिलता है तो पूछता है कि आपके पास कोई किताब है? सुंदर साहब कहते हैं कि हम अभी मंगवा देते हैं। काजी के पास आते हैं तो काजी भी उनको पूछता है, जिसे लैलतुल कद्र की बात है, वो बात पूछता है काजी सुंदर साहब को। सुंदर साहब जवाब देते हैं, पूरा वर्णन करके सुना बता देते हैं कि लैलतुल कद्र की रात्रि क्या है, कैसे ब्रज में लीला होती है, कैसे रास में जाते हैं, कैसे जागने में, ये सारी बातें खोलकर जब बताते हैं काजी को तो काजी बहुत खुश होता है। और भी कई सनंद हैं जिनका अर्थ सुंदर साहब बताते हैं काजी साहब को। अब सारे सुंदर साहब काजी के पास ही रहते हैं, औरंगजेब खबर करता रहता है कि उनको कोई दिक्कत ना हो, लेकिन सुंदर साहब ने तो एक ही बात रखी थी कि बादशाह सलामत हम आपके साथ वार्तालाप करना चाहते हैं, लेकिन काजी मुल्लाओं ने औरंगजेब को भड़का दिया कि बादशाह यदि आपने इनके साथ एकांत में वार्तालाप किया तो हो सकता है आपके प्राण नहीं बचेंगे। औरंगजेब फिर डर गया, इसलिए औरंगजेब ने उनके साथ एकांत में वार्तालाप नहीं किया। सुंदर साहब को जब कोयलों से मारी गई तो सुंदर साहब ने काजी को यही कहा कि काजी साहब ना तो हमने किसी की चोरी की है, ना तो हमने कोई चरित्रहीनता का काम किया है, फिर हमारे साथ आपने ऐसा व्यवहार क्यों किया? अब काजी भी बेचारा क्या जवाब देता, लेकिन काजी किसी तरह उन सुंदर साहब को सांत्वना दिलवाता है। और सुंदर साहब एक दिन काजी के भाई के घर जाते हैं, वहाँ पर सनंद गाकर सुनाते हैं, तो काजी का भाई पहले तो डरकर भाग जाता है, फिर वहाँ पर एक हिंदू होता है जो नागर जाति का होता है, उनको
कोई मुसलमान बताता है कि देखो ये हिंदू होकर कैसे अल्लाह ताला पर ईमान लाए हैं, तब वो भी वहाँ से भागता है कि ये लोग कैसे हैं जो एक हिंदू होकर अल्लाह ताला पर ईमान ले आए। सुंदर साहब जी, बात क्या है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबसे पहले एक मानव है और हमारी वाणी किसी एक पक्ष, किसी एक जाति या किसी एक समुदाय के लिए नहीं है। हमारी वाणी सारे ब्रह्मांड के लिए है और सारे ब्रह्मांड को अखंड करने के लिए। रचि ने कहा है, सुर असुर सबों को ए पति, सब पर एक दया, देत दीदार सबन को साईं जिन्हों जैसा चाहा। कि मुसलमानों के लिए तो आखिर मोहम्मद मेहंदी है और हिंदुओं के लिए बुद्ध निष्कलंक स्वरूप है। चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो चाहे कोई भी हो, सबका परमात्मा तो एक ही है, लेकिन धर्म ग्रंथों में अलग अलग वर्णन होने के कारण आज सारी मानव जाति अलग अलग रास्तों पर बटी हुई है। लेकिन यदि सारे धर्म ग्रंथों का सार देखें तो एक ही निष्कर्ष निकलता है कि सबका परमात्मा एक ही है। मुसलमान आज भले राह से भटक गए हैं, जिनका हृदय इतना क्रूर है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि वो एक अल्लाह ताला के अलावा और किसी को नहीं मानते हैं। हमारे धर्म ग्रंथ वेद और उपनिषदों ने भी उस एक परमात्मा की तरफ ही इशारा किया हुआ है, उस एक परमात्मा की भक्ति करने के लिए ही कहा हुआ है। लेकिन ये भूल हमारी है कि हम वेदों उपनिषदों की बातों को नहीं मानते हैं। इधर जो नागर जाति का था वो भी पौराणिक मान्यता को मानने वाला था, उसको क्या पता कि वास्तविकता क्या है। वो हिंदू होकर अल्लाह ताला का नाम ले रहे हैं, ये बात सुनकर वहाँ से वो भाग जाता है। इधर सुंदर साहब को कई दिन हो जाते हैं, एक दिन एक व्यक्ति पूछता है कि आपको इतने दिन हो गए, हमने कभी ये नहीं देखा कि आपने कभी नमाज पढ़ी हो। तब सुंदर साहब कहते हैं, वैसे नमाज का अर्थ क्या होता है, हृदय से प्रार्थना करना उस अल्लाह ताला को। यदि हम नमाज पढ़ रहे हैं और शरीर केवल झुक रहा है, सिर इधर झुका रहे हैं, कभी नीचे कर रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान यदि कहीं और है तो वो नमाज नहीं है। सुंदर साहब कहते हैं कि हमारी नमाज कभी खंडित नहीं होती है और हम जो कार्य कर रहे हैं हम केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं, हम तो उस दीने इस्लाम यानी जो शांति का मार्ग है, जो सारी दुनिया को एक झंडे के नीचे लाने वाला मार्ग है, उसका प्रचार कर रहे हैं और हम उस अल्लाह ताला का ही कार्य कर रहे हैं और हमारी नमाज कभी खंडित नहीं होती है। तो सब जो लोग वहाँ पर होते हैं वो मौन हो जाते हैं, क्योंकि प्रश्न तो उन्होंने पूछा था लेकिन ये जवाब सुनकर अब क्या कहें। सुंदर साहब अभी भी औरंगजेब के दरबार में हैं। इधर श्री जी को पता चलता है, कांजी भाई आकर श्री जी को बताते हैं कि सुंदर साहब को ऐसे ऐसे कष्ट हुआ। श्री जी के हृदय से एक आ निकलती है कि ये मुसलमान कैसे हैं, कि जिन्होंने जिनको पैगाम देने के लिए मैंने अपने 12 सुंदर साथों को भेजा था, लेकिन उनको इन्होंने कोयड़ों से मारा और उन्होंने उनको नहीं मारा, मुझे मारा है। क्योंकि सुंदर साथ तो मेरा ही पैगाम लेकर गए थे। श्री जी सोचते हैं कि अभी इस ब्रह्मांड को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन सोचते हैं कि अभी कई आत्माओं को जागृत करना है, अभी ये समय नहीं आया है, क्या किया जाए। लेकिन ये जरूर कहते हैं कि मुसलमानों, आपने जो ऐसा कार्य किया है इसका दंड आपको अवश्य मिलेगा।
क्योंकि इससे आप कभी चूक नहीं सकते। मुसलमान यदि एक अल्लाह ताला पर निष्ठा रखकर जैसे कुरान की वास्तविकता को समझेंगे तो एक न एक दिन उस सही राह पर आ जाएंगे। लेकिन यदि शरीयत के अंदर बंधे रहेंगे, जैसे काजी मुल्लाओं ने भड़काया हुआ है औरंगजेब को, उनकी बात मानते रहेंगे तो शायद सही राह पर आना इनका मुश्किल है। सीजी के साथ कई मुसलमान सुंदर साध भी है जिन्होंने अक्षरातीत को पहचान कर ईमान लाई, वो भी तो कुरान को मान रहे होंगे, उनका भी तो अल्लाह ताला पर अटल विश्वास रहा होगा। लेकिन उनको पता चल गया कि कुरान के अंदर जो वर्णन है, जैसे कुरान के 20वें सिपारे में वर्णन है कि दाबतुल हज नाम का जानवर प्रकट होगा, यानी ये प्रवृत्तियाँ ऐसी होगी इंसान की, वो भी प्रकट हो चुका है। और तबसरे हुसैन में भी वर्णन है कि आजूज माजूज जाहिर होंगे और सूरज पश्चिम से निकलेगा, सारी बातें हो चुकी है। जो सुंदर साद मुसलमान सुंदर साद श्री जी के चरणों में आए, उन्होंने तो पहचान कर लिया कि कुरान के अनुसार यही आखरुल मोहम्मद मेहंदी है और यही अल्लाह ताला है। लेकिन बाकी मुसलमान जिनके अंदर शरीयत कूट कूट कर भरी थी, वो कहाँ मानने वाले थे। सुंदर साध ने प्रयास किया, सीची ने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब आगे सुंदर साध को सांत्वना देंगे श्री जी पत्र के माध्यम से, क्योंकि कांजी भाई पार देते हैं और सुंदर साध के पास भी जाते हैं और श्री जी के पास भी जाते हैं। और वो सुंदर साध धन्य हैं जिन्होंने इस कार्य को करने के लिए ये कदम उठाए। हम भी यदि हमें भी कोई सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो हमें अपने आप को धन्य मानना चाहिए, क्योंकि ये शरीर कब छूट जाए इसका भरोसा हमें नहीं है। लेकिन इस शरीर के देते देते यदि सुंदर साध की सेवा हो गई तो ये शरीर भी हमारा धन्य धन्य हो जाएगा और जीव को तो मुक्ति मिलनी है। संसार भले आज इस ज्ञान को न सुने, लेकिन एक न एक दिन सबको ये बात सुननी ही पड़ेगी। मुसलमान भी आज यदि कट्टरता को छोड़कर सच्चे हृदय से विचार करेंगे तो उनको विदित होगा कि कुरान में जो बातें वर्णित है वो इसी हिंदू जो कुरान में वर्णन है कि 11वीं सदी में आखिर मोहम्मद मेहंदी आएंगे, वो इसी हिंदू तन के अंदर विराजमान है। लेकिन जब तक उनका ईमान अटल न हो, केवल शरीयत के बंधनों में है, तब तक उनको मनाना मुश्किल है। इधर बारह सुंदर साध जो दीने इस्लाम के सच्चे आशिक है, उन्होंने ये कदम उठाया और अपने मौत की भी परवाह न करते हुए सोच लिया कि अब तो शरीर छूटना है तो छूट जाए, लेकिन हमें यह कार्य करना है। हम सुंदर साध को भी जितनी सेवा मिलती है, चाहे कैसी भी सेवा हो, सेवा कोई छोटी नहीं होती है, क्योंकि आगे जब हम अष्टपद की सेवा आएगी वहाँ पर देखेंगे जो सुंदर साध श्री जी के साथ थे उनका उद्देश्य एक ही था। और उन्होंने क्या कहा था, यही अक्षरातीत थे, यही है धनी धाम, यही मोहम्मद मेहंदी ईसा, यही पूरे मनोरथ काम। कि ये जो तन हमारे सामने है ये तन नहीं है, इस तन में कौन विराजमान है, अक्षरातीत विराजमान है, और वही अक्षरातीत ही हमें परमधाम का ज्ञान दे रहा है। और यही भाव लेकर पन्ना में सिद्धि के साथ सारे सुंदर साथ चले थे और 5000 की जमात वहाँ इकट्ठी हो गई थी। और सेवा भी कैसे देती थी, दिन रात सेवा, वाणी चर्चा, चितवन और सेवा ही उनका उद्देश्य था। कई सुंदर साथ वाणी
का गायन करते हैं तो कई सुंदर साध पूरी पूरी रात वहाँ जगते हैं, वाणी सुनते हैं, कोई वाणी गाते हैं, कोई वाणी का श्रवण करते हैं, कोई जो चर्चा सुनते हैं चर्चा की अर्चा करते हैं, और अपने तन को उन सुंदर साध ने धन्य धन्य किया, क्योंकि उन सुंदर साध में कई ऐसे सुंदर साध थे जैसे महाराजा छत्रसाल जी, दीवान देवगण जी, और भी कई, लालदास जी, भीम भाई। लालदास जी कभी 99 जहाज के मालिक थे। भीम भाई श्याम भाई जो वेदांत के प्रकांड विद्वान थे, लेकिन श्री जी के चरणों में आकर सब ने अपने शरीर की पदवी को भुला दिया है। पर जितने भी हैं सबके अंदर एक ही भाव है कि हम कौन हैं, सुंदर साध, और इसी भाव को लेकर हर सुंदर साध एक दूसरे की सेवा करते हैं, अहंकार से नहीं। जब कोई सुंदर साध सेवा नहीं कर पाता है तो श्री जी को जाके प्रार्थना करता है कि श्री जी ये सेवा मेरे से नहीं हो पा रही है, आप किसी और को दे दीजिए, क्योंकि यदि मैं सेवा ठीक से नहीं कर पाऊँगा तो मेरी वजह से किसी और सुंदर साध को दुख न पहुँचे। और सबके अंदर एक भाव था कि किसी भी तरह सुंदर साध की सेवा करें। एक छोटे से छोटा सामान सुंदर साध साथ में रखते हैं और जिसको आवश्यकता होती है वो वहीं पर लेकर जाता है। यदि कोई सुंदर साध जिसके शरीर में शारीरिक श्रम करने की ताकत नहीं है तो वो सुंदर साध क्या करते हैं, केवल जयकारा लगाने की सेवा करते हैं। इसी तरह सारी सेवाएं वहाँ पर बटी हुई थी और उन सुंदर साध ने अपने को सेवा में लगाकर धन्य धन्य किया। यहाँ पर भी ये 12 सुंदर साध जो औरंगजेब के दरबार में गए हैं, इन्होंने मौत की भी परवाह नहीं की और मुसलमानों वाला भेष भी धारण किया, नहीं तो संसार में तो लोग अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने मान सम्मान के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। लेकिन उन सुंदर साध ने सारी दुनिया को एक मुर्दार किया हुआ है, इसीलिए वो इतनी बड़ी सेवा कर पाए और उनका रोम रोम श्री जी के ऊपर फिदा था। तो हमें भी जितना अवसर मिलता है हम सेवा को अपने जीवन में अपनाएं और धनी की पूर्ण पहचान करके अपने जीवन को भी धन्य धन्य करें, क्योंकि शरीर कब छूट जाए इसका पता हमें नहीं है। और जिन संसार की इच्छाओं के बारे में जिन संसार के पीछे हम भागते हैं और भागकर यदि हम ये सोचें कि कभी हमारा मन इन चीज़ों से तृप्त हो जाए तो ये संभव नहीं है, क्योंकि ये मन कभी भी भरने वाला नहीं है, चाहे कितना भी हम प्रयास कर ले। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक राजा के यहाँ दरबार में भीड़ लगी थी, काफ़ी लोग इकट्ठे थे, कोई बात बड़ी नहीं थी वहाँ पर। लेकिन हुआ क्या था, एक भिखारी ने वहाँ पर आकर अपना पात्र फैलाया और कहा, भिक्षा मांगी और ये शर्त रखी कि बादशाह आप मुझे जो भी देंगे मेरा पात्र भरा हुआ होना चाहिए। राजा कहता है कि फकीर जी आप किसी ऐसे वैसे व्यक्ति के यहाँ नहीं आए हो, आप राजा के दरबार में खड़े हो और आपको जो भी चाहिए वो सब आपको दिया जाएगा। अब राजा अपने मंत्रियों को आदेश देता है कि इसके पात्र को हीरे मोतियों से भर दिया जाए, क्योंकि फकीर ने क्या शर्त रखी थी कि आप जो भी देंगे मेरा पात्र, यानी जो जिससे भिक्षा मांगते हैं वो पात्र भर जाना चाहिए। इधर मंत्री राजा का आदेश मानकर हीरे मोती उस पात्र में लाकर डालते हैं, लेकिन जैसे ही उसमें डालते हैं वो कहाँ जाते हैं पता नहीं चलता है। सुबह से शाम हो गई, राजा का सारा खजाना खाली हो गया। अब राजा सोचता है कि बात क्या है। राजा जाकर उस फकीर के चरणों में गिर जाता है और कहता है, महाराज
मेरे से भूल हो गई और आज मेरे को भी ये बोध हुआ कि एक राजा का खजाना भी एक फकीर के पात्र को नहीं भर सकता। और वो राजा कहता है कि महाराज, ऐसा क्या है इस पात्र में जिसने पूरा खजाना इसमें डालने के बाद भी ये नहीं भरा। तब वो फकीर कहता है कि महाराज, एक सम्राट तो क्या, कई सम्राटों का खजाना भी यदि इसमें डाल दिया जाएगा तो ये पात्र भरने वाला नहीं है, क्योंकि ये पात्र किससे बना है? मनुष्य की खोपड़ी यानी तृष्णा से। तो वैसे ही ये इच्छाएं हैं, इस मन को हम भरना चाहते हैं, एक चीज़ पाकर, दूसरी चीज़ पाकर, तीसरी चीज़ पाकर, लेकिन कभी भी ये मन भरता नहीं है। और यदि इसी तरह इस मन के पीछे हम भागते रहें तो हमारा जीवन पूरा हो जाएगा, लेकिन ये मन फिर भी वही का वही रहेगा, पात्र फिर भी खाली का खाली रहेगा। लेकिन इंसान इन दृष्टांतों को सुनते हुए, आगे के लोगों को देखते हुए भी सिखापन नहीं लेना चाहता है। सिकंदर बादशाह ने पूरे विश्व को जीतने का प्रण लिया था कि मैं पूरे विश्व को जीतूंगा, लेकिन क्या हुआ, रास्ते में शरीर छोड़कर उसको जाना पड़ा। और उसी सिकंदर बादशाह ने कहा था कि जब मेरा शरीर छूटे और जब मेरी अर्थी निकले तो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर रखना, और ताकि जो लोग केवल धन के पीछे भागते हैं उनको ये पता चल जाए कि सिकंदर जैसा बादशाह भी इस दुनिया से खाली हाथ गया है, तो हम इस दुनिया से क्या लेकर जाएंगे। हम जब कोई शरीर छोड़ता है तो क्या करते हैं, दोनों हाथ कफन के अंदर छिपा देते हैं, लेकिन हाथ चाहे छिपे हों चाहे बाहर, हाथ तो खाली होते हैं, कफन में कोई जेब नहीं होती है। इसलिए हर इंसान को अपने हृदय से विचार करना होगा, यदि हम इस दुनिया से कुछ लेकर नहीं जाएंगे और संसार में जितने लोग हैं उनमें से भी कोई हमारे साथ नहीं आने वाला है, तो हमें क्या करना चाहिए इस तन के रहते रहते, इस बारे में हमें अपने हृदय में ही सोचना होगा। किसी की देखा देखी नहीं, हम दूसरों के अवगुण देखकर अपना समय व्यर्थ न करें, अपने हृदय में झांक कर देखें कि मेरे अंदर क्या कमी है, और जब हमें कमी नज़र आए तो उसको दूर करने का प्रयास करें। और जिस दिन हम अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे, एक न एक दिन हम सही राह पर पहुंच जाएंगे, यानी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो हर मानव को अपना कुछ समय उस परमात्मा को याद करने के लिए निकालना होगा, और हर सुंदर साथ को अपने इस मानव तन को जो भले झूठा है लेकिन अक्षरातीत को पाने का माध्यम यही है। क्योंकि धर्म ग्रंथों ने भी यही कहा है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि परब्रह्म को पाने का माध्यम है तो क्या ये शरीर, चाहे कैसा भी, चाहे लूला लंगड़ा हो, चाहे काला गोरा कैसा भी हो, लेकिन इस मानव तन की तुलना हम किसी से भी नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा को हम इसी के द्वारा पा सकते हैं। इसलिए सबको ये प्रयास करना होगा कि ये हमारा जीवन व्यर्थ न जाए। इधर श्री जी सुंदर साहब की दर्द भरी घटना सुनते हैं और उनको सांत्वना देने के लिए पत्र लिखते हैं, ये चर्चा हम कल सुनेंगे। अब समय पूरा होता है, चौपाई दोहराएंगे। सुंदर साथ सभी चौपाई दोहराएंगे। श्री महामत कहे ए मोमिनो, ए काजी के घर की बीतक बात, अब कहूँ हादी की, जिन खबर सुनी विख्यात, जिन खबर सुनी विख्यात,
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सब।